हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस यू वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट थ्री करने वाले हैं। हालांकि थ्री लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है, जीके का डर खत्म हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तो सीजीएल एग्जाम हो, सिविल कोर्ट का हो, टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जीके का क्वेश्चन सिलेबस हर जगह एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, कौन सा देश त्रिपुरा के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ओर से घिरा हुआ है? मतलब त्रिपुरा के तीन कोनों से घिरा हुआ है, मतलब कौन सा देश है? तो भाई ऑप्शन से बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। वह आंदोलन जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा जाता है, बोलिए। चलिए तो अगस्त क्रांति, व्यक्तिगत सत्याग्रह, चलिए दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह को बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बताएं दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? विनोबा भावे था। चलिए आपको कमेंट करके बताना दूसरा कौन था, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम बताना है कौन, ठीक है। पहला तो विनोबा भावे था, दूसरा कौन था वो बताइए आपको, ठीक है। चलिए पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद के। किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश। बताना है ये, इसको कौन सा कौन सही नहीं है, अच्छा कौन सही नहीं वो बताना, ठीक। गलत कौन वो बताना है। चलिए पोलैंड, पोलैंड 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 वार्सा सही बात है ये। बोसिना हर्जेनोविना सरायेवो सही बात है। सीरिया का दमिश्कस, सीरिया दमिश्कस। गुयाना का क्या है? यामो उस्क्रो। गुयाना का क्या रहता है बताइए दोस्तों? तो गुयाना का रहता है ये नहीं है क्या, फिर बताइए क्या दोस्तों? जॉर्ज टाउन है इसका, गुयाना जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्वकप 2022 का खिताब किसने जीता है? अरे भैया अपना भारत जीता है ने? बिल्कुल भारत जीता। किसको हराया था दोस्तों बताइए? अंडर 19 वाला किसको हराया था बताइए? इंग्लैंड को ने, बिल्कुल इंग्लैंड को हराया था। ये विनर था, ये लूजर था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? कौन सा मंत्रालय? तो ये मंत्रालय कौन सा? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। एन किस देश की मुद्रा है? बताइए किस देश का, बताइए जापान का है ना? हाँ ठीक है, जापान का मुद्रा एन है दोस्तों। मैक्सिको का क्या है? मैक्सिको, मैक्सिको का क्या? पेसो, ठीक है पेसो है। थाईलैंड का क्या है? बात, मतलब क्या लिखते हैं? बात या बात जो से लिख रहे हैं। थाईलैंड का है करेंसी, थाईलैंड बात। मैक्सिको को पेसो। यूगोस्लोवाकिया का क्या है बताना है आपको? यूगोस्लोवाकिया दिनारी होगा शायद उसका, एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर सी हो जाएगा। पन्हारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पन्हारी नृत्य बताइए किससे रिलेटेड बताइए? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। पन्हारी राजस्थान से रिलेटेड है, किससे दोस्तों? राजस्थान से। चलिए तमिलनाडु से क्या है? भरतनाट्यम, पता है ना? बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश से क्या है? कुचिपुड़ी, पता होना चाहिए, ठीक है। ओडिशा का तो पता ही, ओडिशा। चलिए भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसी अनुशंसा अनिवार्य है? बताइए। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के दोनों सदन? तो दोनों सदन, डी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी तथा ब्रह्मा अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? पृथ्वी तथा ब्रह्मा अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? मैग्नेटोफास कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अलमाटी बांध, देखिए अलमाटी बांध कल कराए थे ना आपको पेडला ग्रुप में, देखिए अलमाटी बांध कराए थे कल, बताइए कहाँ पर ये? चलिए कौन सा नदी पे है? कृष्णा नदी पे। कहाँ अलमाटी बांध कहाँ पे बताइए, कमेंट कीजिएगा अलमाटी बांध कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा इसका, कहाँ पे? कृष्णा नदी। मैकमोहन रेखा कब अस्तित्व में आए थे? मैकमोहन बताइए किसके बीच में है? मैकमोहन बताना है किसके बीच में है, और ये कब आया था? 1904 में ने, कब आया था? 1904 ने, 1914, ठीक है। मैकमोहन रेखा कब अस्तित्व में आए थे? 1914 ईस्वी में। कमेंट करके बताइएगा मैकमोहन रेखा किसके बीच में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था?
प्रोजेक्ट हेलीफेंट 1992 में, ठीक है। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित देश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था 1919 में। तो 1919 में देख लीजिए क्या था, अब देख लीजिए, साइमन कमीशन था नहीं भाई, नमक एक्ट भी नहीं था, पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, साझा उच्च न्यायालय तो बताइए कौन सा राज्य में, तो महाराष्ट्र और गोवा का, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 जुलाई। एक पंचायत समिति किस स्तर तक एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक स्तरीय निकाय। हैंड इन हैंड नामक पुस्तक प्रशिक्षण सेन अभ्यास किसके बीच में होता है, हैंड इन हैंड इंडिया और चीन के साथ होता है ना, ठीक है, इंडिया और चाइना के साथ। मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध, मगध बताइए, गिरिवर्ज, उसी को पूरा नाम था राजगिरी, गिरिवर्ज, मगध का राजधानी गिरिवर्ज या फिर राजगिरी। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा, चलिए क्वेश्चन पता ही होगा, आंध्र प्रदेश तंबाकू के मामले में टॉप में आता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई थी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति की गई थी, रंगराजन, फेरवानी, क्रीट पारिक समिति या फिर नचिकेत मोर, तो फेरवानी समिति, ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, फेरवानी समिति। दक्षिण भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था क्या, ये सब तो आप लोग पढ़ पढ़ के, तो इंडियन ओपिनियन, ये तो था, ये ना था दक्षिण भारत में, चलिए, विल्जार्ड संबंधित है, विल्जार्ड्स किसे संबंधित है, विल्जार्ड बताइए, विल्जार्ड। सियाचिन में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल में ही आया एक तूफान, बिल्कुल सही है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल में आया एक तूफान विल्जार्ड कहलाता है, ठीक है, इसका आंसर बी सही है, अगले क्यों आगे क्यों बढ़ना भाई। निम्नलिखित में से संघीय संरचना प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों की अलग करने के सिद्धांत किस अधिनियम में लिया गया है, किस अधिनियम से लिया गया है, तो कौन सा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है, क्वाड बताइए, ये तो खासियत है भैया, क्यों किया जाए, 2024 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भारत में ही हुआ, ठीक है, कहाँ पे, भारत में ही। भारत के मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य में उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की थी, क्योंकि तो दोस्तों भारतीय मोटा अनाज या बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में इसलिए किया था, ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद में, कहाँ पे है, हैदराबाद में। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है बताइए, पिंक रेवोल्यूशन, बताइए, चलिए किससे दोस्तों, प्याज से है ना, चलिए प्याज से, पिंक रेवोल्यूशन प्याज से। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, चलिए कृषि का उद्योग, कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना था कब, 1997 याद रखिए, कब, 1997, क्या बोले क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र था, 1997 में दिया था ये क्वेश्चन, यहाँ और बनता है,
ठीक है, कि खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। यहाँ तो कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र 1997 था, जो कि महाराष्ट्र था। खेल का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? मिजोरम। ठीक है, मिजो याद रखना है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बना था। ये पूछ जाएगा कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र 1997, याद रखना है वो बस। 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न से किससे संबंधित है? 124वां नंबर, 124वां संविधान संशोधन कब लाया था? 2019 में, 2019 में, 2019 में, ठीक है। चलिए, 10% आरक्षण पता है? EWS 10% आरक्षण, 124वां संविधान संशोधन, तो ये आरक्षण से ही हो गया, ठीक है। अच्छा, 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, कौन बना था बताइए? EWS 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना था, ठीक है दोस्तों। कौन बना था? गुजरात, 124वां संविधान संशोधन 2019। लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? प्रेस का बात है भाई, तो भाई सबको पता, बैंड बजा हुआ है अभी प्रेस का सिस्टम, तो देख लेते हैं सबसे ऊपर में, सबसे लास्ट कहाँ पर रैंक करते, 161वां लास्ट दिख रहा है, तो मार देते हैं इसी को, और क्या, तो सही है ये, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है एक इस पॉइंट को, जो याद रखिएगा दोस्तों, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य भारत का महाराष्ट्र 1997 में किया गया था। खेल का उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बना था, बस ये दो पॉइंट याद रखना है। बाकी देखिए क्या तैयारी, कितना है, कितना क्वेश्चन आ रहा है, मिलते हैं अगले वीडियो में।